ओके, तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हमारे बीच एक विशेष अतिथि हैं और इन्होंने हाल ही में 2019 की जो राज्य लोक सेवा परीक्षा थी उसमें 6th प्लेस में डिप्टी कलेक्टर के पद को हासिल किया है। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं हरनीत कौर कालसी जी। आप इनका परिचय जानते ही होंगे और काफी प्रसिद्धि इनको मिल रही है प्रदेश में इस कीर्तिमान को स्थापित करने के बाद। साथ ही कल परसों जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें लेटर प्रदान किया उसमें उमरिया जिले की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है और उमरिया में हरनीत जी एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर के पद को प्रारंभ में संभालेंगी, फिर इन्हें कार्यभार सौंपा जाएगा तो एसडीएम का कार्यभार इनका होगा। हमारी तरफ से पहले तो आपकी इस अभूतपूर्व सफलता पर आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। सर वो कर ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। देखिए, आपको आ रही हनी होगी। हनी जी की खुशी पूरा मोहल्ला सेलिब्रेट कर रहा है और आप लोग फायर जो है बिल्कुल पटाखों की आवाज सुन सकते हैं। अभी भी वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं एक माह बाद भी, है ना। तो हनी जी, हेलो सर, कैसा लग रहा है आपको? 1 महीना बीत गया, इतनी अभूतपूर्व सफलता आपने हासिल की और अभी भी उसका जो है प्रभाव हम देख सकते हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? सर जी सर अभी जैसा कि एक ये पोस्ट इतना बड़ा है कि मतलब ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उन सभी के लिए एक बहुत जॉयफुल मोमेंट है। मतलब इस चीज को एज अ फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये चीज सर ऑब्वियसली बहुत एक अच्छा फील करते हैं सर। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था कि आपका जो डिप्टी कलेक्टर बनने का ड्रीम है ये आपने कब देखा और किस तरह आपने इस सपने को संजोया और फिर कब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, इसके विषय में थोड़ा सा अतीत में हम जाएंगे, आप विस्तार से बताइए। जी सर, सर जब मैं स्कूल में थी तो मैंने मैथ साइंस लिया था, 11th 12th जो स्टैंडर्ड्स है वहाँ से मेरा विजन एकदम क्लियर था कि फर्दर स्टडीज मैं जो भी करूँगी वो मैं समाज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सर्विस होती है मैं वो ही करूँगी। क्योंकि उस आई गेस 2012-13 की बात है ये, उस टाइम विमेन, अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है जो विमेन्स की कंडीशन है। उस वक्त हम देखते थे कि एजुकेशन की फैसिलिटीज बहुत कम थी विमेन्स को अवेल, और हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और सर एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी आज से एक डिकेड पहले। बट अब जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही है तो अच्छा फील जरूर होता है, बट उस टाइम ये मेरी सोच में एकदम क्लियर थी अपने विजन को लेके कि मैं कोई भी सर्विस करूं। ये मुझे उस वक्त क्लियर नहीं था कि मुझे पीएससी ही करना है, बट मुझे ये श्योर था कि मैं आगे कुछ भी करूंगी वो समाज से रिलेटेड करूंगी। फिर आगे जाके सर मैंने इंजीनियरिंग की थी, उस वक्त मुझे कंप्यूटर साइंस में एक विशेष रुचि थी इसलिए मैंने बीई परस्यू की थी। बट उस वक्त भी मैं अपने गोल को लेके एकदम क्लियर थी कि मैं इंजीनियरिंग कर जरूर रही हूँ, बट आफ्टर 4 ईयर्स आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विस एग्जाम्स, वेदर इट विल बी पीएसयू और पीएससी। फिर सर इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने थोड़ा सा टेक्निकल चीज सोचा कि अब मैं टेक्निकल से कनेक्टेड हूँ तो मैंने पीएसयू की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसमें सर बट ये होता था कि वो पूरा टेक्निकल जाता था, उसमें इतना एक्सपोजर और इतना समाज के बीच रहने का आपको मौका नहीं मिल पाता जितना आप पीएससी में आपको मिल सकता है। वो पूरा एक क्लोज्ड शेल में ही रह के आपका जो कार्य क्षेत्र होता था वो सीमित होता है। तो सर धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे एक्सप्लोर की, मेरी फैमिली में सर पूरे बैकग्राउंड में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, तो इस चीज का मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया चीजें एक्सप्लोर करने में कि चीजें कैसे पढ़नी है, क्या डायरेक्शन में जाना है। तो इंजीनियरिंग के 1 साल तक मैंने चीजें थोड़ी अपने आप से एक्सप्लोर की और मैं मेरा जब एकदम क्लियर हो गया विजन कि हाँ मेरे को पीएससी ही करनी है और स्टेट में रहकर ही स्टेट के लोगों के लिए ही काम करना है सर, तो ये फिर मैंने इसके लिए अपना दिन रात एक किया सर कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है एंड आई हैव टू गिव माय बेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी सर। इसलिए फिर बहुत कड़ी मेहनत और परिश्रम
और सर आज रिजल्ट आपके सामने है। देखिए 19 वाला विद्यार्थी तो मेरे लिए बहुत इसलिए भी इम्पोर्टेंट और करीब है क्योंकि बाकी सारी जो भर्तियां हैं वो तो टाइम से होती रही, लेकिन 19 थोड़ा सा ऐसा था कि कब रिजल्ट आएगा, कब प्रोसेस होगा, कौन अंदर होगा, कौन बाहर होगा, प्रावधिक के मसले, आरक्षण के मसले, रोस्टर्स के मसले, बहुत सारी चीजें थी। तो एक यस क्वेश्चन ये है सर, कि ये जो टाइम पीरियड था कि हमने हमारी मेहनत कर दी, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, जब रिजल्ट नहीं आ यस रहा था, सर। इस दौर में आप क्या कर रहे थे? सर 19 का एग्जाम जैसा कि आपको पता है 2020 में हुआ था, फिर कोविड एरा था एक, तो उस टाइम तो सारी चीजें क्लोज ही थी, शटडाउन ही थी। बट 2021 में चीजें ओपन हुई जैसे जैसे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, डिले था और श्योरिटी नहीं थी कि होना है नहीं होना है। बट सर रिजल्ट के पीछे मैं रुकी नहीं थी सर। रिजल्ट जो भी आता, मैं अपने गोल को लेके, मेरा जो एम था उसको लेके मैं क्लियर थी कि मुझे करना यही है, मुझे अपना एग्जाम पे पूरा फोकस करना है। इनफैक्ट कोविड के टाइम भी मुझे याद है, मैं जो मॉक सीरीज रहती हैं, टेस्ट सीरीज, वो मैं कंटिन्यू मतलब देती थी उस वक्त भी। रोज अपनी प्रिपरेशन थोड़ी 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 कंटिन्यू रखती ही थी, और जो फर्दर मेरे जो भी एग्जाम्स थे मैं उनकी भी प्रिपरेशन करती रहती थी। 19 का रिजल्ट नहीं आ रहा था, डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करते हैं सर, बिल्कुल डेफिनेटली, ह्यूमन नेचर है वो तो। बट फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है सर। मुझे फैमिली में हर टाइप का सपोर्ट था कि तुम शुरू से ही एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, तो तुम बस अपना कर्म करो, डोंट थिंक अबाउट फल। तुमको अगर अच्छा करोगे तुम तो वो डेफिनेटली मिलना ही है सर। तो मैं कभी भी 19 के पीछे सर रुक नहीं गई थी, मैं कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन जारी रखती ही थी। इनफैक्ट 20 जो अभी 23 वाला है प्री, वो भी मेरा क्लियर हुआ है, और 22 वाला भी एग्जाम अपकमिंग था। बट सर फिर ये हो ही गया, तो ये बहुत अच्छा है अपने लिए एक था। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें हम थोड़ी चर्चा करेंगे प्रीलिम्स की। हालांकि सिलेबस तो बदल जी गया, सर, लेकिन पढ़ने की जी रणनीति सर, भी वही जी रहती है। सर, जब आप लोगों ने दिया था तब भी सिलेबस चेंज हुआ था 19 उसके पहले, यस 2020 के सर, बाद बदला। हाँ, तो ये है कि चलिए जी कंटेंट तो बदल सकता है, लेकिन रणनीति, स्ट्रेटेजी और पैटर्न पढ़ने का लगभग एक ही रहता है। तो प्रीलिम्स जो है, मैंने बहुत सारे जो अधिकारी पहले के हैं, कोई 15 के, 16 के, 17 बैच के, बेचारे जो बीएसपी बन गए या दूसरी पोस्ट मिल गई, उसके बाद प्री नहीं निकला उनका, और बहुत सारी समस्याओं में उलझे रह गए कि सर प्री नहीं होता, एक बार सिलेक्शन हो गया। तो ये प्री एक बड़ा समस्या का विषय रहा है, तो इसे आप कैसे देखते हैं, और आने वाले जो हमारे 24 के अब बच्चे एस्पिरेंट हैं, उनको प्री के लिए क्या मैसेज देंगे? सही, आपने बहुत सही बोली कि प्री एक बहुत बड़ा हर्डल है, और मेरे लिए भी था। मेरा 21 का प्री क्लियर नहीं हुआ था, 22 का भी नहीं हुआ था सर। तो बट ये है कि वो मेरी ड्रॉबैक्स थे, जो मैंने मेरी जो भी फेलियर्स ड्रॉबैक्स थे वो मैंने सॉर्ट देखे, फिगर आउट किए कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ सर। बाकी ये है कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है पीएससी की, तो प्री और मेंस की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट प्रिपरेशन है। अगर आप हॉलिस्टिक अप्रोच से पढ़ें कि आपको प्री क्लियर करके मेंस लिखना ही है, तो आप शुरू से ही ऐसा पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आई गेस 60-70% आपका जो प्री का सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। बाकी जो सर दूसरी चीजें हैं जैसे कि करंट अफेयर और स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब चीजें, तो ये सर जैसे एक कोट है सर कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो प्री की प्रिपरेशन आप रातों रात या कुछ एक आध महीने में नहीं कर सकते। आपको उसके लिए करंट अफेयर से जुड़े रहना पड़ता है। आप कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर पढ़िए, वीकली मैगजीन्स आती हैं, मंथली मैगजीन्स हैं, घटना चक्र, रोजगार निर्माण। तो सर ये एक मैं अपनी हैबिट में ही ले आई थी कि मुझे सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, वैसे भी पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में चल क्या रहा है। तो ये सब आपको हैबिट बनानी चाहिए कि करंट अफेयर्स आप कंटिन्यूस पढ़िए, स्पोर्ट्स में अपना ध्यान दीजिए, आईसीटी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके आप क्वेश्चंस आज देख रहे हैं, थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, वो इजी रहते हैं एक्चुअली, बट क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा जाता है। तो
तो उसकी प्रिपरेशन आप अच्छी से कीजिए। अगर अगर उसको अच्छी से जो सिलेबस में आपको मेंशन है, अगर एक एक पॉइंट को आप कवर कर रहे हैं तो सर एग्जाम में इतनी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। बाकी ट्राइब्स जो मेजर रोल प्ले करते हैं, अभी मैंने न्यू सिलेबस भी देखा, इनफैक्ट जब 2020 के टाइम जब चेंज भी हुआ था सिलेबस तो भी ट्राइब्स उसमें इंक्लूड किया गया है। तो जब आप ट्राइब्स पढ़ रहे हैं प्री के लिए तो आप ये सोच के पढ़िए कि आपको वो मेंस में काम आएगा ही। आपको आंसर राइटिंग में आपका एक पॉइंट आपका आंसर इनहेंस कर सकता है। आपको उस एक ट्राइब के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, हर डायमेंशन उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक एक ट्राइब को सर फिर मैंने कवर करना स्टार्ट किया, और एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें, एमपी फॉरेस्ट फॉरेस्ट के लिए भी बहुत उसमें अपना डेटा है। तो डेटा जो नए अपकमिंग आते जाते हैं, सर्वेज होते जाते हैं, आप अपने अलग से हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम जब पैनिक सिचुएशन होती है तो आपको कुछ बुक्स की लिखी हुई चीजें या बल्क ऑफ डेटा वो आप नहीं अडेप्ट कर पाते हैं बहुत जल्दी। आपकी खुद की राइटिंग में जब डेटा लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट शॉर्ट डेटा जैसे भी आप लिखते हैं, तो वो बहुत एग्जाम के टाइम बहुत एक शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत हेल्पफुल रहती है वो चीजें। तो हैंड रिटन नोट तो सर मैं हमेशा ही प्रेफर करती थी, वेदर वो हिस्ट्री हो, वेदर पॉलिटी हो। आप यकीन मानिए पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। जैसे भी जो सिलेबस में मेंशन है, हमें इस एग्जाम के लिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रुकना भी नहीं है। आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी पेपर में, जो आपके सिलेबस में मेंशन है आप उसको उसके हर डायमेंशन कवर कीजिए। तो लक्ष्मीकांत मैंने पूरी कवर की, मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसके, हिस्ट्री के भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जिनका डेटा मिल पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे कि एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत सारे उसके करंट चीजें भी ऐड होती जाती हैं, तो वो आप जरूर प्रिंट आउट निकलवाइए चीजें आपको जैसे जैसे डेटा मिल रहा है। बाकी आप अपने नोट खुद ही इन प्लेस ऑफ स्टडिंग वेरियस बुक्स बहुत सारे मटेरियल्स, आप अपना जो सोर्स है उसको लिमिटेड रखिए और उस लिमिटेड सोर्स के मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल रहती है। बहुत अच्छे से आपने प्रिलिम्स की बारीकियां बताई और पूरा जो फोकस था आपका हैंड रिटन नोट्स और करंट अफेयर से चीजें रिलेट करके पढ़ने को था। अब दूसरा बिंदु है मुख्य परीक्षा का। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं जिनको कंटेंट आता है, बहुत अच्छे से पता है, नॉलेज है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लेखन शैली में और पूरा कंप्लीट पेपर भी नहीं कर पाते हैं। कई एक हमारे परिचित रहे, काफी टैलेंटेड, काफी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे और 7 बार मेंस लिखा उन्होंने, 7 बार, 7 बार मेंस लिखा और हर बार 200-250 नंबर का मेंस छूट जाता था। कारण ये कि पूरा स्पीड और बहुत सारी चीजों के इश्यूज थे, तो मेंस जो है इसी वजह से मेंस नहीं निकला उनका। मेंस जो है इसे कैसे तैयार करें, देखो नॉलेज तो खैर सबको है, अब वो एक्सप्रेस कैसे करेगा और किस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये आप बताइए। जी सर, सर आप सही बोल रहे हैं कि जैसा कि नॉलेज कई बार क्या होता है कि हमें नॉलेज बहुत सारा रहता है, बट हमें उस लिमिटेड स्पेस में उस लिमिटेड टाइम में कितना लिखना है ये आपके ऊपर है, उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। एक एक दिन में आपको 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप पहली बात तो जब एग्जाम टाइम जाते हैं तो आप अपने दिमाग में ये क्लियर कट कीजिए कि आपको 1.5 1.5 घंटे में वो करना है। वो जो 1 आवर 30 मिनट है वो 35 मिनट्स नहीं होने चाहिए। 1.5 घंटे में आपको वो फर्स्ट पेपर को छोड़ ही देना है, वरना आपका नेक्स्ट पेपर छूटेगा ही ऑटोमेटिकली। तो एक टाइम मैनेजमेंट सर बहुत बड़ी चीज है। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी होता है कि आप टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं आप उसकी टेस्ट सीरीज लगाइए, उससे आपकी स्पीड मेंटेन होती है। जब आप आंसर्स लिखते हैं तो सामने से जो फीडबैक मिलता है, टीचर आपको एक फीडबैक देता है, तो वो बहुत वैल्यूएबल होता है सर। किसी भी इंस्टीट्यूट्स द्वारा जो मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप देखिए कि क्या लैंग्वेज होनी चाहिए। हर इंस्टीट्यूट्स के सर जो मॉडल आंसर्स होते हैं वो मैंने देखे हैं, वो उसी फॉर्मेट में होते हैं जैसे आपको लिखने हैं एग्जाम टाइम। तो आप अपना आंसर आपने लिख लिया है, फीडबैक ले लिया है, बट ऐसा नहीं है कि आप मॉडल आंसर को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। मॉडल आंसर्स देखिए, उसमें इनफैक्ट जो मॉडल आंसर्स भी रहते हैं उनका एक प्रेजेंटेशन का वे रहता है, कैसे पॉइंट्स में लिखना है आपको कैसे, और ये सब चीजें इम्प्रूव करने के लिए सर बहुत सारे नोट्स जो टॉपर्स नोट्स रहते हैं आजकल, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वो पब्लिश कर देते हैं अपने अपने चैनल्स में, तो
उसमें से भी गो थ्रू कीजिए। बाकी फ्लो चार्ट्स तो सर बिल्कुल स्टिक रहना चाहिए कि आप फ्लो चार्ट्स का जितना यूज कर सकें उतना यूज करना चाहिए, और कंटेंट अपना क्रिस्प रखिए बट टू द पॉइंट रखिए, फालतू के वर्ड्स, क्योंकि स्पेस का आपको एक बहुत अच्छी से मैनेज करना है। आप बहुत सारी चीजें नहीं लिख सकते, ज्योग्राफी का पेपर होता है, कोशिश कीजिए कि हर आंसर में आप डायग्राम इंक्लूड कीजिए, जहां पे जरूरत है वहां तो करना ही है। और आप जैसे एमपी का अगर किसी और के बारे में पूछा है कि ये मिनरल किस साइड है, तो आप बिल्कुल मिनी एमपी का मैप उसमें इंक्लूड करके उस एरिया को हाईलाइट करके बता सकते हैं कि ये तो, ये क्या होता है कि आपका आंसर एनहेंस होता है। बहुत सारे बच्चे लिख रहे रहते हैं पेपर, अगर किसी एक स्टूडेंट की कॉपी में भी जो एक चेक कर रहा है, आप एक चेकर के नजरिए से देखिए कि वो दिन में कितनी कॉपीज चेक करेगा। कुछ अगर अलग कंटेंट उनके सामने आएगा तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा मार्क्स तो मिलेंगे ही सर। तो यही है कि आप, और सर ये हैंड रिटन नोट्स अगर कोई अपने बना रहा है तो उसे लिखने की ऑलरेडी प्रैक्टिस है, उसको पता है कि प्रेजेंट कैसे करना है, तो वो उसको डेफिनेटली मेंस में दिक्कत नहीं जाएगी। तो हैंड रिटन नोट्स सर बिल्कुल बहुत वैल्यूएबल हैं, सबको अपने मतलब मेंटेन करने ही चाहिए सर। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स प्री में भी इन्होंने कहा, मेंस में भी कहा, और मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं जो एस्पिरेंट सुन रहे हैं कि प्री और मेंस में हनी जी का मानना यह है कि भाई आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए और दोनों को कंबाइंड लेकर चलिए। वो कंटेंट के पर्सपेक्टिव में भी उन्होंने कहा और नोट्स के पर्सपेक्टिव में भी कहा। प्लस मेंस की तैयारी करते समय जो भी एस्पिरेंट अपने आंसर्स लिख रहे हैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव लिखें, उसको अच्छे से एनहेंस करें, मैपिंग का और फ्लो चार्ट्स का अच्छे से यूज करें तो थोड़ा सा दूसरों से भिन्न दिखेंगे। फिर हम तीसरे चरण की बात करते हैं, साक्षात्कार की तैयारी के विषय में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी और आपसे कैसे प्रश्न पूछे गए और क्या अनुभव रहे आपके। जी सर, सर जो इंटरव्यू है, पहले तो जैसे जो प्री और मेंस है, आपका जो नॉलेज टेस्ट होना है वो प्री और मेंस में ऑलरेडी हो चुका है। अब जो इंटरव्यू है साक्षात्कार, वहां पे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाएगी, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, समाज को लेके आपका नजरिया क्या है, पैनिक सिचुएशन को आप किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं, बेसिक चीजें हैं सर। आप एक व्यक्ति किस प्रकार के हैं इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है। मॉक इंटरव्यूज के दौरान सर, जैसा कि मैं आपके पास आई थी, एक मेरा मॉक इंटरव्यू आपने भी लिया था उस वक्त, मॉक इंटरव्यू सर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप किस टाइप से उस वहां प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके क्या फ्लॉज हैं, कहाँ आप अच्छा कर रहे हैं, ये आपको एक जो जानकार उस चीज में एक्सपर्ट है वो ही बता सकता है। तो सर जैसा कि आपने मुझे बहुत सारे मेरे फ्लॉज भी बताए थे, और साथ ही साथ जहाँ जिस फील्ड में मैं अच्छी थी आपने मुझे अप्रिशिएट भी किया था, मैंने डेफिनेटली उन पे वर्कआउट किया था सर। जैसे वॉइस फ्लक्चुएशन का एक पॉइंट मुझे याद है आपने बताया था, और आपने ये एक अप्रिशिएट भी किया था कि पैनिक सिचुएशन जो प्रेशर हैंडलिंग है वो मैं थोड़ा अच्छी से हैंडल कर लेती हूँ। तो सर वो डेफिनेटली बहुत यूजफुल होते हैं। जैसा कि सर पर्सनालिटी सर एक दिन में डेवलप नहीं की जा सकती है, जब आप आपने अपने दिमाग में 100% ये चीज ठान ली है कि आपको सिविल सर्विसेज ही करनी है, आप उसी वक्त से अपनी पर्सनालिटी में जो आपको पॉजिटिव चेंजेस लाने चाहिए, एक अधिकारी किस प्रकार से बिहेव करेगा, आप उस टाइप का अपने आपको वैसा बिहेव करना, वैसा रिएक्ट करना, अपने आपको वैसा मोल्ड करना उसी वक्त से आप स्टार्ट कर दीजिए। एक अच्छे व्यक्ति बनिए, समाज में देखिए कि किस प्रकार की परेशानियां हैं, आप क्या कर सकते हैं किसी एक डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए, ये सारी बातों का सर अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, अपने फैमिली मेंबर से जनरल डिस्कशन भी सर होना ही चाहिए, सिर्फ इस एग्जाम के नजरिए से नहीं। मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को समाज के लिए कुछ ना कुछ, ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, आपका ये कर्तव्य है। तो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आप समाज में देखिए क्या चल रहा है, आप किस प्रकार से किसी की सहायता कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें इंटरव्यू में बहुत फ्रूटफुल रहती है। और सर मेरे अगर पर्सनल इंटरव्यू की फाइनल की बात की जाए, तो रायकवार सर का बोर्ड था मेरा, 2 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था। मुझे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि पर्सनल
पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मेरी ब्रांच से रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड, तो सर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमने जैसा अभी मैंने पूछा आपसे कि टॉप 10 में 7 लड़कियां हैं, टॉप 10 में 8 लड़कियां हैं, किसी परीक्षा में टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं, कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लड़कियां हैं, क्या कारण है कि लड़के पिछड़ते जा रहे हैं और लड़कियां बाजी मारती जा रही है? सर कारण यही है कि फैमिली सपोर्ट, जैसे कि समाज जैसे चेंज हो रहा है, जैसे प्रोग्रेसिव हो रहा है, फैमिली समझ रही है, सोसाइटी समझ रही है, सब अप्रिशिएट करते हैं सर आप गर्ल्स को। और जैसे सर एक बर्ड को उड़ने के लिए उसके दोनों विंग्स की जरूरत है, वैसे किसी भी समाज की तरक्की के लिए मेल और फीमेल दोनों का ही डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट और आगे आना बहुत जरूरी है सर। तो समाज की सहायता और एक परिवार का सपोर्ट सर बहुत मायने रखता है किसी भी लड़की का आगे बढ़ने के लिए। और ये बहुत गर्व की बात है कि टॉप 10 में आ गया 7 गर्ल्स हैं। तो सर ये आपके सराउंडिंग का और एक समाज का बदलता नजरिया है सर, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव दिशा में जा रहे हैं हम, तो ये सर बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब एक अंतिम संदेश लेंगे आपका कि आने वाले जो एस्पिरेंट अब आपको देख रहे हैं, 2024 की परीक्षा देने वाले, 25 की कुछ 23 मेंस वाले हैं, और आगामी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको आपका क्या संदेश रहेगा? जी सर, सर जैसा कि अभी सिलेबस चेंज हुआ है और बहुत चर्चा का विषय है कि सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि डिफिकल्ट हो गया है, बट सर मैंने देखा सिलेबस एज सच कुछ डिफिकल्ट तो नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें हटी हैं, कुछ जुड़ी हैं, तो वो एक बैलेंस्ड अप्रोच से चेंज किया गया है। मैं स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप हिंदी पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जो शुरू के 4 पेपर हैं वो उसमें आप स्कोर कर लेंगे अच्छा, बट जो आपको एक रैंक दिलवाएगा वो हिंदी का सब्जेक्ट है। और एथिक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सर, क्योंकि हम देखते हैं कि एथिक्स के अब तो 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया है एथिक्स। एथिक्स में थोड़ा कम ध्यान दिया जाता था ये समझ के कि वो बहुत ईजी है, फिलोसफर्स है, तो एथिक्स और हिंदी में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हिंदी की रोज 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 प्रैक्टिस करनी चाहिए, हिंदी ऐसे को इम्प्रूव करना चाहिए, यह आपको डेफिनेटली रैंक दिलवाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी, काम रहिए, लॉयल रहिए, आपका एग्जाम निकलेगा। ओके, थैंक यू सो मच हरनीत जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और विद्यार्थियों के लिए अपने अनुभव साझा किए। मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन को सुनने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, हरनीत जी ने भी जब तैयारी शुरू की होगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, हो सकता है कि किसी सिलेक्टेड एस्पिरेंट को, या किसी न किसी को जरूर देखा होगा, सुना होगा। और एक तैयारी के दौरान विद्यार्थी मोटिवेट होता है इन सब चीजों से, निश्चित ही ये सेशन लाभप्रद हो और आगामी इस सेशन से मोटिवेट होकर मध्य प्रदेश में और अधिक अधिकारी निकले, बहुत सारे बच्चों को लाभप्रद हो उनके लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। ऐसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू, थैंक यू हरनीत जी।